In the graph shown in figure, time is plotted along x-axis. Which quantity associated with the projectile motion plotted along y-axis? ये कौन सी quantity होगी? Obviously horizontal velocity ही होगी. ठीक है, horizontal velocity ही होगी. सर कैसे? फटाफट send करो. अब send रुक जाओ. Horizontal velocity होगी. Horizontal velocity तो constant होती है. हाँ तो वो constant. तो जीरो का है, ये कांस्टेंट ही है ना, ये कांस्टेंट ही है, जीरो का है, जीरो का है. अब रुक जाओ, सेंड मत करो आंसर, स्टॉप. अगर हम उधर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पुट करेंगे तो वो ग्राफ एक्सेलरेशन शो करेगा, और एक्सेलरेशन तब तो जीरो ही होना चाहिए ना. एक्सेलरेशन जीरो का होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जी डाउनवर्ड होता है. क्या बकवास कर रहा है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो ही होगा इसलिए तो कांस्टेंट होगा. तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हाँ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, सिंपल सी बात है. अब मत सेंड करो आज, ठीक है. ग्राफ के इतने सारा बता दिया मैंने, ग्राफ के स्पेशल दो दिन डिस्कस किया, तो उसको देखो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जी का ग्राफ तो नीचे की तरफ होता है, जी भी कांस्टेंट होता है, मगर इसमें जी भी कांस्टेंट होता है, मगर जी नीचे की तरफ नेगेटिव होता है. टोटल एक्सेलरेशन का ग्राफ, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो होगा, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा तो जीरो होगा, है ना. और वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगी, बहुत सारे ग्राफ होते हैं, तो सिंपल वाला ग्राफ है. क्वेश्चन नंबर सेकंड, द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल विल मेक विद द हॉरिजॉन्टल आफ्टर टाइम टी बीइंग थ्रोन विद वेलोसिटी वी एट एंगल थीटा. ठीक है, आगे से मैं 10 क्वेश्चन वाला ही रखूंगा, अगले दिन ही डिस्कस करूंगा. आज चलो उसमें क्या है, लोग देर में सेंड करते, इसको उठा लेता हूँ सवाल नेक्स्ट पेज पे. The angle which the velocity vector में projectile will make with horizontal after time t. तो initial velocity है, अब मैं सीधे horizontal component लेता हूँ, v cos theta. I hope मैं direct कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. Initial vertical velocity कितनी हो जाएगी, v sin theta. ये मान के चल रहा हूँ कि तुमने पढ़ा है ढंग से, अच्छा है ना. तो The angle with which velocity vector make of projectile makes with horizontal after time t it's being thrown with. तो after time क्या angle होगा? तो projectile को अगर मैंने ऐसे throw किया है, तो after time t क्या angle होगा? Diagram मुझसे सही नहीं बनते. तो एक second ना, ये एक ही चलो हो गया, हाँ बन गया थे. तो यहाँ पर आफ्टर टाइम क्या होगा, आफ्टर टाइम टी वेलोसिटी तो सही उतनी रहेगी, वी कॉस थीटा तो उतना ही रहेगा, है ना. वी कॉस थीटा तो चेंज नहीं होगा, वर्टिकल वेलोसिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी. तो सपोज करो वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई होगी, ठीक है. द एंगल विद द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द एंगल विच द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ प्रोजेक्टाइल will make with the horizontal. तो velocity vector, net velocity vector कैसे होगा, ऐसे होगा. तो ये horizontal से कितना angle बनाएगा, theta angle बनाएगा, ठीक है. और tan theta की value कितनी हो जाएगी, vy upon ये vertical part, इसका ये side अगर vy है तो ये भी side vy होगी. I hope समझ में आ रहा होगा, बड़ा कर देता हूँ. ये भी साइड बी वाई होगी, ठीक है. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बी वाई अपॉन बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी कॉस थीटा. वी वाई की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, वी साइन थीटा, और टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वी वाई, और वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना होता है, जी, तो वी साइन थीटा है ना माइनस जी टी, सिंपल क्वेश्चन. तो वी वाई की वैल्यू यहां पर पुट कर लो, ये हो जाएगा वी साइन थीटा माइनस जी टी. माइनस जी टी अपॉन वी कॉस थीटा, कैसे आया ये भी बताऊं यार, क्या
तो इतनी तो ये तो फिर अजीब सी चीज है। मतलब माइनस जीटी वाला। अरे बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे ना, वर्टिकली क्या होता है, एसिलेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है जी, तो वर्टिकली एसिलेशन डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगाया, बी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू कितना हो गया बी साइन थीटा, एसिलेशन नीचे की तरफ होता है माइनस जी टाइम टी। ओके इसमें क्या, ठीक है ये सवाल हो गया। इस तरह के बहुत सारे सवाल कर चुके हम लोग। Now, next है क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड को मैं उठा लेता हूँ, अलग से उठा लेता हूँ, थोड़ा सा इसी पेज पर उठा लेता हूँ, थर्ड को उठा। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी अंडर रूट टू जी एच। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, ठीक है, अंडर रूट टू जी एच एट द टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, टावर थोड़ा कलर कर देता हूँ ऐसे, है ना। इट इज स्ट्राइक द ग्राउंड लेवल थ्रू द फुट फीट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस एक्स। तो ये ऐसे इस तरह के भी बीपीपी में काफी क्वेश्चन किए थे, ठीक है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे स्ट्राइक करता है, एक्स डिस्टेंस पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। ग्राउंड थ्रो अ फुट ऑफ द टावर एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ग्राउंड, द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो, एच के टर्म में निकालना इतना, इंडो टू जी एच। इफ इट स्ट्राइक द ग्राउंड लेवल थ्रो द फुट ऑफ द टावर एट अ डिस्टेंस एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम ये निकाल लें एक्स की वैल्यू वैसे कितनी है, एच दे रखी है, तो एक्स की वैल्यू सीधा क्या कितना हो जाएगी, हॉरिजॉन्टली वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट टू जी एच, और कांस्टेंट है ये, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम हमें निकालना है वर्टिकल मोशन से, टाइम निकाल लो वर्टिकल मोशन से। अब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, एच डिस्टेंस ट्रेवल करनी है नीचे की तरफ, तो माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ, एसिलेशन किधर हो जाएगा, नीचे की तरफ, माइनस जी और टी स्क्वायर, बस हो गया। और टी की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट टू एच अपॉन जी, इसको सॉल्व करोगे अंडर रूट टू एच अपॉन रूट जी, बस इसको पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा रूट टू जी एच, और ये आएगा अंडर रूट टू एच अपॉन रूट जी। ठीक है, तो यहां पे जी जी कैंसिल हो जाएगा, मतलब टू एच आ जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड ना, जी जी रूट जी का थर्ड आंसर आएगा, चेक कर लेना आंसर बाद में। तो ये हो गया पहले, दूसरे का तो आ गया ना, दूसरे का बता दिया ना मैंने, इसका दूसरे का भी हो गया, फोर्थ वाला देख लो, फोर्थ वाला देख लो, आगे सर 10 ही लूंगा, आज थोड़ा सा टाइम कम था तो 5 ही ले पाया, मतलब ऐसे ही मैंने सोचा डिस्कस करना होगा सिलेबस, अदरवाइज 10 क्वेश्चन लूंगा आज से, वो लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी शुरू, और शाम की जो क्लास है वो वैसे ही रहेगा। अच्छा रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, पहले डिस्कस करता हूँ, शाम की क्लास वो मैं जेई नीट का ही जता रहेगा, सुबह की क्लास में हम करेंगे स्कूल का 10 या 15 दिन, उसमें खत्म हो जाएगा। द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल व्हेन फायर्ड एट सिर्फ 75 डिग्री एट हॉरिजॉन्टल 0.5 किलोमीटर, तो रेंज का फॉर्मूला हमें पता ही होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, एक क्वेश्चन है, यू स्क्वायर u स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 into 75 साइन 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, और ये हो जाएगा u स्क्वायर
साइन 150 अपॉन जी. साइन 150 कितना होता है? 130 बताया था उसकी वैल्यू, 1/2. ठीक है, तो यू स्क्वायर बाई 2 जी आ जाएगा. इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? यू स्क्वायर बाई 2 जी की वैल्यू दे रखी है 0.5 किलोमीटर. ये क्या कर दिया, कैसे बिहेव कर रहा है? 0.5 किलोमीटर, 500 मीटर. यस, 0.5 किलोमीटर रेंज की वैल्यू आ जाएगी. मगर अब इसने पूछी है रेंज 45 डिग्री पे, 75 पे नहीं पूछी है. 1 किलोमीटर है. हां, तो 75 पे कितनी हो जाएगी? u स्क्वायर sin 2 into 45, sin 90 तो 1 होता है, तो 45 पे u स्क्वायर / g होता है, है ना? क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, sin 2 into 45, sin 2 into 45, sin 2 into 45 कितना होगा? sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है. तो जो u स्क्वायर / g की वैल्यू आएगी वही आंसर होगा. यानी u स्क्वायर / g की वैल्यू कितनी आएगी? 1 किलोमीटर. तो 1 किलोमीटर आंसर होगा, तो इसका आंसर 1 किलोमीटर होगा. आई होप अंडरस्टैंड. And the last one. हाँ, बस 2 मिनट, बस इसको खाली दो कंप्लीट कर दूं कि फ्यूचर में कभी जरूरत है फॉर्मेलिटी के लिए कंप्लीट कर दूं. इजी भी हो तब भी एक बार लेना तो पड़ेगा ही. हाँ, अ बॉल थ्रोन एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड द रेंज इज मैक्सिमम, द वैल्यू ऑफ टैन थीटा इज. अच्छा, मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होती है? 45 डिग्री है तो ओवरऑल ही वैसे तो 45 डिग्री पे होती है मैक्सिमम रेंज. और टैन 45 1 होता है. टैन 45 कितना होता है? 1 होता है. तो आंसर हो जाएगा 1. ठीक है, सिंपल. ये मतलब एक तरह से उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि डायरेक्ट नहीं पूछा है कि 45 पे रेंज मैक्सिमम हो जी है, उसका 10-45 पूछ लिया है. तो लिटिल बिट डिफरेंट क्वेश्चन बन गया है ना. तो बस ये मैंने डिस्कस कर लिया, इसको बस यहीं पे.